अजमेर टाउन में धमाका, इमारत का मजीद हिस्सा गिरने का खदशा पैदा हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन में मुश्किलात, 50 रेस्क्यू एहलकार कार्रवाई में शरीक हैं। जिमखाना लाहौर के इंतखाबात के लिए पोलिंग में 2 घंटे बाकी हैं। इंतखाबात का अमल जारी है, जबकि कसीर तादाद में लोग अपना हक की रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, डॉक्टर जावेद अकरम, उमर सरफराज चीमा ने वोट डाला है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एपीसी में शिरकत मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एपीसी के एजेंडे को माना जा सकता है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आजम सवाती शेख अर्शीद को भेजने की तजवीज़ पर गौर किया गया है। इमरान खान कुछ देर के बाद कारकुनान से खिताब करेंगे। मरियम नवाज की मॉडल टाउन में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। रहनुमाओं से आइंदा का लाहेमल तय किया जा रहा है। मरियम नवाज के साथ मुलाकात में सीनियर क्यादत भी मौजूद। शाइस्ता परवेज मलिक नून लीग विमेन विंग की पॉलिसी एडवाइजर नामजद कर दी गई हैं। लाहौर के 2 हलकों से औरंगजेब बरकी, कौमी असम्बली के लाहौर में मुर्गी का गोश्त 3 रुपये सस्ता, 546 रुपये किलो होगा, जबकि इजाफा मुसलसल जारी है। जबकि मुर्गी के गोश्त के साथ साथ जिंदा मुर्गी 2 रुपये कमी के बाद 356 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। प्याज बाजार में 270 और टमाटर 70 रुपये किलो में फरोख्त। महकमे दवालाई में 1 अरब 60 करोड़ की माली बेजाबतियों का इंकशाफ हुआ है, जबकि इनकम टैक्स कटौती में 23 करोड़ 50 लाख के घपले मंजरेआम पर आ गए। ऑडिटर जनरल ने बेजाबतियों की रिपोर्ट जारी कर दी है। वज़ीर आला की यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से बनाने की हदायत, तैयारियों का हुक्म दे दिया। डिविजनल हेडक्वार्टर्स अजला में पीसी होटल में एंडोकोलो कोएम 2023 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। कसीर तादाद में शिरकत। एयरपोर्ट पर परिंदों को सदके का गोश्त डालने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि अहकाम जारी कर दिए गए। जबकि कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। इर्द गिर्द के इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। लेजर लाइट इस्तेमाल करने और कबूतरबाजी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ऑर्डर के मुताबिक टाइलें ना देने का मामला, जबकि अहकामात जारी कर दिए गए हैं। रहमान मार्बल एंड पेंट टाउनशिप के खिलाफ डिग्री जारी कर दी गई है। गवर्नर मलिकुर रहमान से आईजी जेल मुबशर अहमद खान की मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। जबकि आईजी ने गवर्नर पंजाब को कैदियों की दी गई सहूलियात पर ब्रीफ किया। आईजी ने गवर्नर को जेलों के दौरे की दावत भी दी। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी सूरतहाल काबू करने में नाकाम हो गए। तारीख में पहली बार वजारत खाना ने फंड का इजरा रोका। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स बरकी रोड में मुआशी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। तुर्किया के सफीर डॉक्टर मोहम्मद पेकासी का बिनहाज यूनिवर्सिटी टाउनशिप कैंपस का दौरा।
इंतजामिया की जानिब से तुर्क सफीर को मुख्तलिफ शोबों के हवाले से आगाही दी गई। तुर्क सफीर डॉक्टर मोहम्मद पैकासी ने यूनिवर्सिटी के इकदाम को सराहा। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का ऐलान। फेस्टिवल 24 से 26 फरवरी को अलहमरा आर्ट सेंटर में होगा। श्रीलंका, हंगरी, लंदन से भी मुसन्निफीन शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ सेशंस होंगे जिनमें अदब और मौजूदा हालात पर बातचीत होगी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ कैथेड्रल चर्च में रैली। चेयरमैन कौमी कमीशन बराए बैनुल मजाहब मुकादमा। बिशप्स वेस्टर्न फ्रांसिस मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम सैयद महमूद गजनवी की शिरकत। शुरुका की कुरान पाक की बेहरमती की मजम्मत। स्वीडिश हुकूमत से नोटिस का मुतालबा। शालामार मेडिकल कॉलेज में 7वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शाहिद हुसैन, प्रिंसिपल जाहिद बशीर ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने अपने मकालाजात पेश किए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आयशा नुमान, फैकल्टी मेम्बरान और तुलबा ने भरपूर शिरकत की। लाहौर में पार्किंग माफिया बेलगाम। हाल रोड समेत माल रोड के बेशतर पॉइंट्स पर माफिया सरगर्म। हाल रोड पर पार्किंग स्टैंड पर 200% तक इजाफी रेट्स वसूल किए जाने लगे। शहरी परेशानी का शिकार। और लाहौर में स्मॉग अब भी बरकरार। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 206 रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत में कमी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8, ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अजमेर टाउन में धमाका। इमारत का मजीद हिस्सा गिरने का खदशा पैदा हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में मुश्किलात। 50 रेस्क्यू अहलकार कार्रवाई में शरीक हैं। जिमखाना लाहौर के इंतखाबात के लिए पोलिंग में 2 घंटे बाकी हैं। इंतखाबात का अमल जारी है जबकि कसीर तादाद में लोग अपना हक की रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, डॉक्टर जावेद अकरम, उमर सरफराज चीमा ने वोट डाला है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एपीसी में शिरकत मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एपीसी के एजेंडे को माना जा सकता है जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आजम सवाती शेख अर्शीद को भेजने की तजवीज पर गौर किया गया है। इमरान खान कुछ देर के बाद कारकुनान से खिताब करेंगे। मरियम नवाज की मॉडल टाउन में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। रहनुमाओं से आइंदा का लाहेमल तय किया जा रहा है। मरियम नवाज के साथ मुलाकात में सीनियर क्यादत भी मौजूद। शाइस्ता परवेज मलिक, नून लीग विमेन विंग की पॉलिसी एडवाइजर नामजद कर दी गई हैं।